So hey, what's up guys, Harsh here, and back with another video. So guys, in this video I'm gonna give you some really cool and latest updates about the iOS 13.3.1 jailbreak, and guys, the about the jailbreak of the iOS 13.4, and guys, jo 13.4.5 version release kiya hai Apple ne, uske bare mein bhi. So guys, let's just quickly get started. So guys, main fatafat ek bar apna device jailbreak kar lu, and uske baad aapse baat karta hu. Main thoda video ko fast forward karta hu. So guys, jailbreak bahut zyada unstable hota hai, isliye guys mera phone apne aap restart hua and jailbreak iska hat gaya tha. All right guys, so finally guys mera device ho chuka hai jailbreak. Guys, main pehle clear kar dena chahta hu आपको वीडियो से स्टार्ट करने से भी कि गाइस, कोई भी नया जेलब्रेक नहीं आया है. जो भी लेटेस्ट डिवाइस है जिससे आप जेलब्रेक कर सकते हैं वो है गाइस अनकवर से. आप 13.3 तक जेलब्रेक कर सकते हैं, नो मैटर कोई भी डिवाइस हो आपका, चाहे आपका आईफोन 10 हो, एक्सएस मैक्स हो, 11 हो, 11 प्रो मैक्स हो. 11 प्रो मैक्स भी गाइस 13.3 तक आप जेलब्रेक कर सकते हैं. बट गाइस, अगर आपके पास आईफोन 10 से ऊपर वाले डिवाइसेज हैं, आईफोन 10 जिसमें लगी हुई है A11 चिप, आईफोन 10 से जो ऊपर वाले डिवाइसेज हैं आपके पास, उनको गाइस आप अभी 11.3.1 पे जेलब्रेक नहीं कर सकते हैं. 11.3.1 पे जेलब्रेक आप सिर्फ आईफोन 10 या फिर उससे नीचे वाले डिवाइस को ही कर सकते हैं. गाइस, अगर आपके पास आईफोन 10 या फिर उससे कोई नीचे वाला डिवाइस है, जैसे आईफोन 7, 6, 7, 8, 9, 9 नहीं, 9 तो आया ही नहीं है, 6, 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस, 10, तो गाइस उसको आप iOS 13.3.1 पे भी जेलब्रेक कर सकते हैं. गाइस, मैंने पिछली वीडियो बना रखी है अपनी, गाइस वो पूरी मैंने कम से कम 20 मिनट की वीडियो बनाई है, एंड गाइस उसमें चेकरेन के साथ आपको जेलब्रेक करना सिखाया है कि आप जेलब्रेक कैसे कर सकते हैं चेकरेन के साथ. गाइस, इफ यू वांट देन यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. गाइस, बहुत ही सही वीडियो है मेरे हिसाब से. तो मैंने एक एक चीज क्लियर कर रखी गाइस इस वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूं. वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 20 मिनट्स की वीडियो है, एंड गाइस इसमें मैंने पूरा ट्यूटोरियल बता रखा है आपको. तो इसमें मैंने पूरा ट्यूटोरियल बता रखा है आपको कि आईफोन 10 से नीचे वाले डिवाइस को, चाहे वो iOS 13.3.1 पे क्यों ना हो, उनको आप जेलब्रेक कैसे कर सकते हैं. अगर आप बिल्कुल सही कंपैटिबल डिवाइस पे हैं तो आप जेलब्रेक कर सकते हैं. हाउएवर गाइस, अगर आप गलती से 13.4 पर आ गए हैं, तो गाइस 13.4 वैसे तो गाइस चेकरेन जो है 13.4 टेक्निकली देखा जाए, अगर आपके पास आईफोन 10 है, आईफोन 10 से नीचे वाला डिवाइस है कोई भी, तो गाइस आप चेकरेन से iOS 13 का कोई भी वर्जन हो, 13.3, 13.4, 13.3.1 कोई भी हो, उसको जेलब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि चेकरेन काम करता है हमारा चेकमेट एक्सप्लॉइट पे, जो कि हार्डवेयर एक्सप्लॉइट है गाइस. बट ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, जो हमारा चेकरेन जेलब्रेक है, चेकरेन जेलब्रेक अभी हमारा काम नहीं कर रहा है iOS 13.4 पे. एप्पल ने कुछ सॉफ्टवेयर पैचेस डाल दिए हैं, बट गाइस जो एक्सप्लॉइट है, बेसिकली जो हार्डवेयर एक्सप्लॉइट है, एप्पल ने वो तो ठीक करा ही नहीं है. मतलब एप्पल उसको ठीक कर भी नहीं सकता. एप्पल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो घर एक एक फोन पे जाए, एक एक घर पे जाके एप्पल का जो हार्डवेयर है उसको चेंज करते रहे. सो गाइस, उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर तो चेंज करा है 13.4 के साथ, बट गाइस वो बहुत छोटी सी अपडेट होगी मेरे साथ चेकरेन के साथ, एंड चेकरेन के डेवलपर्स उसको काफी जल्दी अपडेट कर देंगे, एंड गाइस उसके बाद आप अपना 13.4 जेलब्रेक कर पाएंगे. गाइस, आज मैं क्रिएट कर रहा हूं वीडियो 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल के हिसाब से गाइस आप चेकरेन के साथ 13.4 को जेलब्रेक नहीं कर सकते हो, 13.4 को आप जेलब्रेक नहीं कर सकते हो. गाइस, जो भी आपने वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पर, वेट, मैं आपको उनमें से कोई एक वीडियो दिखाई देता हूं. सो गाइस, बहुत सारी फेक वीडियोस घूम रही इंटरनेट में. जैसे मान लो आपने यही वाली वीडियो हो गई, ये है गाइस हाउ टू जेलब्रेक iOS 13.3.1 ऑन आईफोन आईपैड. मैं इसको प्ले नहीं करूंगा, कहीं कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए. गाइस, ये है एक फेक वीडियो, डू नॉट ट्रस्ट दिस वीडियो. गाइस, ये बिल्कुल फेक वीडियो है. iOS 13.3.1 का कोई जेलब्रेक आया ही नहीं है चेकरेन के अलावा. ऐसा ही गाइस 13.4 के साथ है. अगर आपको इंटरनेट पर कोई भी वीडियो दिखाई दे रही जो बोल रही है आपको कि वो जेलब्रेक करके देगी आपका iOS 13.3.1 एंड 13.4 या फिर जो आईफोन 10 एंड 11 डिवाइसेस, 11 और 11 प्रो डिवाइसेस हैं, XR भी है गाइस, वो वीडियो है फेक, उसको ट्रस्ट मत करो. दैट वीडियो विल नॉट वर्क गाइस. वो बेसिकली पता है क्या बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे आप एक ऐप स्टोर पे जाओ, एंड ऐप स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो. तो वो गाइस बेसिकली ये है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं ऐप स्टोर पे, इन्होंने एक एडवर्ड्स, मतलब इन्होंने एक वेबसाइट के साथ टाई अप कर रखा होता है कि जितने डाउनलोड उनको मिलेंगे उतने उनको पैसे मिलते रहेंगे. गाइस, वैसे देखा जाए तो ये फेक डाउनलोड है, बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसे नहीं होना चाहिए. बट वो आपको यही बोलेंगे, वो बोलेंगे आपको प्ले स्टोर पे जाओ एंड आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लेट्स से कि वो वाली एप्लीकेशन हुई, वो कोई भी एप्लीकेशन होती है, वो कोई भी गेम हो सकता है, वो बोलेंगे आप इसको डाउनलोड करो एंड उसके साथ सीधा आपका सीडिया इंस्टॉल हो जाएगा. बट गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सो ये सिंपली पैसे बनाने की टेक्निक है, ये बिल्कुल फेक है गाइस. डू नॉट ट्रस्ट दिस वीडियो. जैसे कोई जेलब्रेक आता है iOS 13.3.4 का, और सॉरी 13.4 का अनकवर के साथ, गाइस आई विल मेक अ वीडियो डेफिनेटली अबाउट दैट जेलब्रेक. सो गाइस, मेक श्योर टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन, एंड गाइस डू नॉट ट्रस्ट दोस फेक वीडियोस. गाइस, फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 13.3.1 को आप जेलब्रेक कर ही सकते हैं. ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, मतलब ऐसा कोई, सो मैंने गलती से जेलब्रेक पर क्लिक कर दिया था, मेरा फोन फिर से रिस्टार्ट हो गया. गाइज, ऐसा कोई भी तरीका नहीं इंटरनेट पे जिससे आप सफारी वेब ब्राउजर से, अपने वेबसाइट से, किसी वेबसाइट से सीडिया को डाउनलोड कर सकें. गाइज, हाउ एवर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. वेबसाइट हमारे जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाती हैं. वेबसाइट अगर आप करके सकते हैं, वेबसाइट से आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अनकवर एप्लीकेशन हो गई. एंड गाइज, अनकवर डाउनलोड करने के बाद आप अनकवर से सीडिया को इंस्टॉल कर सकते हैं. बट गाइज, डायरेक्टली आप वेबसाइट्स के साथ या फिर ऐप्स के साथ, जो भी वो वीडियोस दिखाते हैं उनके साथ आप सीडिया को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं. वो सब चीज़ें फेक हैं. गाइज,
गाइस गुड न्यूज ये है कि एप्पल ने 13.3.1 को साइन करना बंद कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं iOS 13.3.1 अब सारे उन एप्पल iOS के साथ आ गया है जो अनसाइंड है। सो गाइस इसका मतलब है कि अब एप्पल इसको पैच नहीं कर पाएगा। सो गाइस मेरे हिसाब से अनकवर की जितनी भी टीम है वो सब लग गई होंगी इसके अराउंड एक वल्नरेबिलिटी, इसकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करने के लिए, इसके कर्नल पैचेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि एक नया जेलब्रेक क्रिएट हो सके 13.3.1 के लिए। सो गाइस अगर आप 13.3.1 पर हैं, डू नॉट अपडेट टू 13.4 एंड गाइस डू नॉट अपडेट टू 13.4.5 जो कि बेटा वर्जन रिलीज हुआ है एप्पल का 31 मार्च को। गाइज आई एम लिटरली स्क्रीमिंग, अगर आप 13.3.1 पर हैं तो 13.3.1 पर ही रहो, क्योंकि गाइज अब इसको आप डाउनग्रेड भी नहीं कर सकते हो, इसको इससे आप अपडेट भी नहीं कर सकते हो। अपडेट तो कर सकते हो 13.4 पर, बट गाइज आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। तो गाइज अगर आप 13.3.1 पर हैं इसी पर रहो, क्योंकि गाइज एप्पल ने साइन करना बंद कर दिया है एंड ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। हमारे लिए अच्छा साइन गाइज ये इसलिए है क्योंकि गाइज अब एप्पल इसके साथ अपडेट नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है जो कर्नल पैचेज हैं जो 13.3.1 के साथ जो भी लूप होल्स वगैरह थे, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थी, वो ऐसी की ऐसी ही रह गई हैं इसमें, उसमें कोई अपडेट नहीं आएगी। तो जिसका मतलब है जो अनकवर टीम है हमारी, अनकवर टीम इसको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकती है, इसके अराउंड एक एक्सप्लॉइट क्रिएट कर सकती है जिससे हमारा जेलब्रेक भी हो जाएगा, इसके कर्नल को एक्सेस कर सकती है, इसके रूट एक्सेस ले सकती है 13.3.1 पे। हाउएवर गाइस अगर आप 13.4 पर भी आ गए हैं, अगर आपके पास आईफोन 10 से ऊपर वाले डिवाइसेज, आईफोन 10 नहीं, आईफोन 11, आईफोन XR अगर वो है और 13.4 पर है, तो गाइस आपके पास वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। चेकरिन के साथ तो आप जेलब्रेक उसको वैसे भी नहीं कर सकते हो, एंड गाइस आप डाउनग्रेड भी नहीं कर सकते हो 13.4 पर। अगर आपके पास एक आईफोन 10 से ऊपर वाला डिवाइसेज है तो गाइस आपको वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। जैसे कोई भी जेलब्रेक आएगा गाइस मैं फटाफट वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके बारे में, 13.4 का कोई जेलब्रेक आता है। एंड गाइस अगर आप 13.4 पर हैं तो गाइस 13.4 से भी आईफोन 11 XR वाली डिवाइस, उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग भी 13.4.5 पर मत जाओ गाइस, डू नॉट अपडेट टू दिस बीटा वर्जन। तो अगर आपको जेलब्रेक करना है तो, अगर आपको जेलब्रेक नहीं करना है यू कैन अपडेट इट, आपकी मर्जी है, अगर आपको जेलब्रेक नहीं करना है तो। बट गाइस अगर आपको जेलब्रेक करना है तो स्टे ऑन द फर्मवेयर, स्टे ऑन द लोएस्ट फर्मवेयर। 13.1 पे हैं आप, 13.3.1 पे, 13.3.1 पे ही रहो। 13.3.1 पे अगर आप हो तो गाइस एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, क्योंकि आपने साइन करना भी बंद कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया ही। बट गाइस अगर आप गलती से 13.4 पर भी आ गए हैं तो भी गाइस डू नॉट अपडेट, स्टे हेयर ओनली। सो गाइस बेसिक मेरे को अब ये अपडेट्स देनी थी आपको सारी कि 13.4.5 पर अपडेट मत करो, 13.3.1 पे हो तो एप्पल ने साइन करना बंद कर दिया, एक अच्छा साइन है हमारे लिए। अब आपके पास जेलब्रेक जल्दी हो सकता है आपका। अगर गाइस आप 13.3.1 पर हो और आपके पास आईफोन 10 और उससे नीचे वाले डिवाइसेज हैं तो आप जेलब्रेक भी कर सकते हो, मैंने वीडियो बना रखी है। एंड गाइस अगर आप 13.3.1 पर हो, आपके पास आईफोन 10 से ऊपर वाले डिवाइसेज हैं, तो आप जेलब्रेक नहीं कर सकते हो, जेलब्रेक आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो उसमें चेकरिन के साथ। आप 13.3 तक जेलब्रेक कर सकते हो, सब डिवाइसेज पर, 13.3.1 पर नहीं कर सकते हो। एंड गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, फेक वीडियोज गाइस, डू नॉट ट्रस्ट दोज फेक वीडियोज जो भी आपने इंटरनेट पर देखी होंगी, जो गारंटी करती है कि आप जेलब्रेक कर सकेंगे डाउनलोड करने वाला कोई एप्लीकेशन। गाइस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ तक पहुँच गए देन यू विल ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो, मेरे को बस ये चीज़ें शेयर करनी थी आपके साथ। गाइस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर मेजर फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइस मेड टिल द एंड डू ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट मेक एनी मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस हिट दैट ग्रैब सब्सक्राइब बटन व्हिच इज फ्लैशिंग समवेयर राइट ओवर हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।